हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ल। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? अच्छे ही रहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज अपन करेंगे एक इंटीग्रल का क्वेश्चन, ठीक है। काफ़ी सारे हम इंटीग्रल के क्वेश्चंस कर चुके हैं, यदि आपने वो लेक्चर्स नहीं लिए हैं तो स्टूडेंट्स प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और सारे लेक्चर्स ले लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटीग्रल की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको। प्लीज़ वहां से सारे लेक्चर आप इंटीग्रल के ले लीजिए, स्टूडेंट्स आपके लिए यूज़फुल है। तो देखिए आज का क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है आपको सेक स्क्वायर एक्स पावर कितना है 2, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसे आपने स्टूडेंट्स करना है इंटीग्रेट। तो कैसे करेंगे? ऐसा करो टेन एक्स को मान लो टी, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी। अब आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। टेन का कर दिया, अब करना है एक्स का। एक्स का क्या हो जाएगा? डी एक्स इज इक्वल टू टी का हो गया डी टी, ठीक है। तो आपका क्या आ गया? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे? डी टी, ठीक है। पुट कर दीजिए डी टी, ऊपर तो आ गया अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। टेन एक्स को टी माना है तो टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आएगा फॉर्मूला यूज़। मैंने आपको स्टूडेंट्स इसका फार्मूला बताया हुआ है, यदि आपने नहीं देखे हैं, इसके साथ मैंने और भी फार्मूलाज बताए थे तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ वहां से सारे फार्मूलाज देख लीजिए, उस लेक्चर में मैंने आपको सारे फार्मूलाज बताए। तो यहाँ यूज़ आ रहा है फार्मूला, मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ यूज़ आ रहा है स्टूडेंट्स फार्मूला वन अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। मैंने आपको बताया था वन अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे देता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? वन अपॉन टू ए लॉग, ठीक है, मोड ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, इसका यूज़ करके हम यहाँ इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू, देखो इस फॉर्म में बनाने के लिए आप इस वन को लिख लो वन का स्क्वायर, यहाँ ए का स्क्वायर है ना, इसको ऐसा करो वन का स्क्वायर लिख लो। वन का स्क्वायर क्या होता है? वन ही होता है। माइनस आपका है टी स्क्वायर और डी टी आपका है ही। तो देखो ए का स्क्वायर यहाँ क्या है? वन का स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो गई? वन। माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ टी स्क्वायर है, इससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। इसमें एक्स था वेरिएबल तो इसने यहाँ एक्स यूज़ कर लिया, हमारा टी है वेरिएबल तो हम फार्मूले में क्या यूज़ कर लेंगे? टी, ठीक है। डी एक्स है यहाँ, अपना हो गया यहाँ डी टी। तो इस फार्मूले का यूज़ करते हम बता सकते हैं इसका इंटीग्रेशन? बिल्कुल, सिर्फ ए की वैल्यू क्या रखनी है आपने? वन, और एक्स की जगह टी। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? वन अपॉन टू ए की वैल्यू वन लॉग लगाया मोड वन, ठीक है, ए की वैल्यू वन प्लस एक्स अपॉन में सॉरी स्टूडेंट्स, ये गलती हम जल्दबाजी में एग्ज़ाम में भी कर देते हैं, तो आपने ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। एक्स नहीं लिखना है, हमें लिखना है टी। सॉरी स्टूडेंट्स, याद रखना ये गलती आपने एग्ज़ाम में नहीं करनी है, मैं इसलिए बार बार रिपीट करती हूँ ये चीज़ें कि एग्ज़ाम में अपन ने क्या यूज़ करना है? जो अपन वेरिएबल लेके चल रहे हैं, टी लेके चल रहे हैं ना, तो टी यूज़ करना है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वन बाय टू, ठीक है, टू वन से टू लॉग वन प्लस टी। अब रख दो टी की वैल्यू, आपने टी क्या माना था? टेन एक्स, तो यहाँ पर रख दो वन प्लस टेन एक्स अपॉन में वन माइनस टेन एक्स, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और ये आ गया स्टूडेंट्स आपका आंसर। समझ आया स्टूडेंट? इजी क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस भी हम करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, आप उसे प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और जो भी आंसर है मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और स्टूडेंट्स यदि इस क्वेश्चन में कोई आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो सॉल्व करने में, किसी भी स्टेप में आ रही हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको जो सॉल्व करना होगा वो है, आपको इंटीग्रेट करना होगा ई की पावर एक्स अपॉन में वन प्लस ई की पावर टू एक्स, ठीक है।
स्टूडेंट्स इसे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ई की पावर एक्स अपॉन में वन प्लस ई की पावर टू एक्स, इसे इंटीग्रेट करके देखिएगा। और नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वैसे भी इसे ट्राई करने वाले हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। बट मैं ट्राई करने की इसलिए बोल रही हूँ आपसे, आप लोग पहले अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे और फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखोगे तो चीज़ें अच्छे से क्लियर होती हैं, कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होते हैं, क्योंकि आपने अपनी गलती पहले से ही पता होती है, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।